अपराध शाखा गोरखपुर पुलिस टीम ने शाहपुर थाने में पंजीकृत आईटी एक्ट मुकदमा में वांछित फरार चल रहे शातिर मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान चंद्रकांत कुमार पुत्र राम केवल निवासी मुशैला बुजुर्ग थाना खुकुंदू जनपद देवरिया के रूप में हुई है। इस संबंध में SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुन्ना भाई के ऊपर एक वर्ष पूर्व शाहपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था। यह काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे आज अपराध शाखा गोरखपुर की पुलिस टीम ने शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौराहे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अपराध शाखा गोरखपुर निरीक्षक सुनील कुमार पटेल, निरीक्षक कन्हैया यादव और उप निरीक्षक साहब सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक मानिए एक महत्वपूर्ण मामला ये है। मुन्ना भाई की बात अक्सर आप लोगों के सामने आता ही रहता है, तो मुन्ना भाई वाला ही मामला है, एक एग्जामिनेशन से संबंधित मामला है और ये थाना शाहपुर से संबंधित प्रकरण है, वर्ष 2019 का, पिछले वर्ष का। तो वहाँ पर ये काफ़ी कुछ कार्रवाई वहाँ भी हुआ था। एक ऑनलाइन परीक्षा था जिसमें जिसको बैठना चाहिए था वो नहीं बैठ करके उसके बदले कोई और उस एग्जामिनेशन बैठा था। जो फर्जी तरीके से एग्जामिनेशन बैठा गया था वो तत्काल मौके पर ही अपना उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, पकड़ा गया था। तो उस समय उसके कब्जे से फर्जी एडमिट कार्ड मिला और फर्जी आधार कार्ड मिला, इसी तरह से जो अपनी पहचान बना रहा था वो, और जिसके लिए एग्जामिनेशन दिया जा रहा था, तो वो काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। क्योंकि जिस समय की बात है, पहले उसमें इंस्पेक्टर साहब थे, उसमें IT एक्ट लगा हुआ था, IT एक्ट की विवेचना निरीक्षक ही करते हैं। तो बाद में जब ये वहाँ पर ये SO का ये निरीक्षक थाने पर नियुक्त नहीं रहे, तो लंबित स्थिति को देखते हुए विवेचना अपराध शाखा में आ गई थी। तो अपराध शाखा में विवेचना के दौरान जिसके लिए एग्जामिनेशन जो अपना अपने लिए एग्जामिनेशन दिलवा रहा था, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जो आज गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम चंद्रकांत है। चंद्रकांत के बदले पहले जितेंद्र कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जितेंद्र कुमार गुप्ता ये जिला महाराजगंज के हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। आज चंद्रकांत करके हैं, ये जनपद देवरिया के रहने वाले हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इसी संबंध की अब ये निश्चित तौर पर गिरोह वाली बात क्या, अब ये जनपद देवरिया महाराजगंज, अब इनका मैंने अभी और भी देखूंगा, बेचना चल ही रही है, तो इसमें क्या बोलते हैं ये कैसे आपस में साठगांठ किए, मतलब थोड़ा इसके और बारीकी से मैं उसको देखूंगा। नहीं, 5000 की बात है, कल बेचक हमारे बता रहे थे, 5000 वाली इसमें बात आई थी। तो लगभग एक साल पहले बेचना अपराध शाखा में आ गई थी, तो यहाँ भी बेचनाएँ काफ़ी रहती हैं और निरीक्षक जो IT एक्ट की है, तो काफ़ी संख्या में एक और बेचना वही शाहपुर से इसलिए आई थी कि वहाँ निरीक्षक नहीं थे। ये गिरफ्तारी का स्थान है असुरन चौराहा है और ये थाना शाहपुर क्षेत्र में है। आज सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई 10:55 में, तो इनको जेल भेजा जा रहा था। तो चूँकि ऐसे घटनाएं और ये इस तरह से फर्जी परीक्षार्थी जो एग्जामिनेशन देते हैं कि आगे इसका लोगों को जानकारी रहे कि इस तरह से कार्रवाई होती है, लोग गिरफ्तार भी होते हैं, ये सब अवैधानिक काम है, ये आपराधिक काम है, तो इस पर अंकुश लगाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए टीम में हमारे अपराध शाखा के 3 निरीक्षक हैं, दो इंस्पेक्टर साहबान, एक सब इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तारी वाली टीम में, ये सब अपना लगे थे, काफ़ी दिनों से इसमें लगे थे, तब जाके सफलता मिल पाई है।